थोड़ी बहुत फन मस्ती करते उसका चलते सीधा ट्रैक में ऊपर ना बढ़िया लग रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए तो वही तो बोल रहा हूँ डांस उड़ से करते उसका सीधा ट्रैक पे चलते ऊपर फाइनली हमको धूप दिख गई इतना ऊपर आके और अब तो गर्मी लगने लगी है। थोड़ा दूर जाके उतारता हूँ मैं भी जैकेट और चलते फिर आगे। तो कैसा लग रहा है फिर? अच्छा एंट्री करवानी है या एंट्री करवा लो फिर। अरे मैं बॉयलर लेके आया एक बंदा। चलो हाँ जी हाँ जी। तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री होगी उसके बाद यहाँ से चलते ऊपर। यहाँ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेगी, अच्छे अच्छे सीन क्योंकि धूप भी आ गई है। जो व्यू आ रहा है और जो अपने गोप्रो में कैप्चर हो रहा है तो बहुत डिफरेंट है। फिलहाल आपको वीडियो के थ्रू ट्रैक करवा रहा हूँ, मन महेश्वर जी के दर्शन कराऊँगा आज। तो बहुत ही एडवेंचर होने वाला है यहाँ से। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है सो उन्होंने साउंड कम करने के लिए कहा है। फिलहाल हम अपने JBL का स्पीकर लेके आए थे, हमने ऑन किया था मतलब कि सॉन्ग वगैरह चलाए थे तो उन्होंने मना किया है, बोला कि आवाज़ स्पीकर कम रखो या बंद कर लो, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे ऐसी होटल है। फिलहाल धीरे धीरे चलते हैं और पानी की अपने उत्तराखंड में कोई कमी है नहीं, आपको पता ही है। तो फिर चलो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा ना है हाँ। यहाँ से बहुत बढ़िया लग रहा ना, अच्छे अच्छे शॉट्स आ रहे हैं यहाँ से, खतरनाक खतरनाक शॉट्स मिलेंगे देखने को आपको। किस घर में? हाँ If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. यहाँ से असली ट्रैकिंग खड़ी चढ़ाई जैसा मैंने आपको बता ही दिया था। और पीछे व्यू देखो, एक नंबर व्यू। और पीछे थक गया यार, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, अभी ये नहीं पता हमको कितना ऊपर जाना है। फिलहाल तो जो मज़ा आ रहा है ना वो एक नंबर है। नेटवर्क भी नहीं आ रहे। चलो नेटवर्क का क्या करना, लेकिन पीसफुल जगह है, पीसफुल। और ठंड के टाइम यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ यहाँ नीचे तक आती है। पीछे देखो एक नंबर व्यू, जिसको बोलते हैं ना एक नंबर, बस वही व्यू है, पूरा का पूरा एक नंबर। पीछे आ गए अपने भाई, आराम आराम से आ रहे और दो पहाड़ी ट्रैकर ऊपर जा रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है फिर ट्रैक करके? बहुत ही थकावट से भरपूर है ट्रैक, लेकिन हम शिवजी बुला रहे हैं, शिवजी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। फिर तो जय बम बम बोले हर हर महादेव, गाना लगाना चाहिए यहाँ पे। इन वादियों में टकरा चुके हैं देखो भाई ओ पर वो वाले पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये पेड़ ये देखो, ये मतलब कि लंबे लंबे से, वाह। रात को ऐसे ट्रैकिंग करना, अगर हम सवेरे निकलते, अगर 6 बजे निकलते ना तो हम थोड़ा मतलब कि जल्दी पहुंच जाते यहाँ तक, बट 6 बजे अंधेरा हो रखा था भाई, बुरे से अंधेरे में ट्रैक करते, लेकिन उठा नहीं कोई। अगर उठ जाते तो हम जल्दी चल पड़ते। फिलहाल अब ये अकली भाई और काकू भाई सबसे आगे है, उसके बाद मैं सबसे पीछे। देखो नीचे खाही, ओहो हो इतनी लंबी खाही और छोटे छोटे रास्ते, तो एडवेंचर इसीलिए हमको पसंद है। और अपना उत्तराखंड वैसे ही बहुत खूबसूरत है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं।
ये पंच केदार में से एक है, तो हमने पूरे पंच केदार कंप्लीट करने हैं अभी। तो पहले तो केदारनाथ तक कंप्लीट हो गया दो बारी, और ये दूसरा है मधमाहेश्वर। अब और देखो यहाँ इसके पास में तुंगनाथ भी यहीं पास में है, केदारनाथ भी पास में ही है, तो हम क्या पता तुंगनाथ हो सके जाएंगे, बट कोई पता नहीं अभी तुंगनाथ का हमारा। फिलहाल पहले यहीं चढ़ दे वही बहुत है, अभी पता नहीं कितना ऊपर जाना है, कितने किलोमीटर आ गया, कोई बोर्ड भी नहीं आ रहा है। चलते रहो बस आगे तक, और क्या ही बताएं, बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे टूरिस्ट कम ही आते हैं ठंडियों ठंडियों में भी, बोल रहे थे नीचे कि आते हैं बट उतने नहीं आते। और कितनी पीसफुल जगह है ये, बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है लेकिन। और ओह भाई ये क्या, ये तो खड़ी चढ़ाई है, ये देखो यहाँ से, इसका मतलब अभी हमने ऊपर ही आना है, सीधा खड़ी चढ़ाई है आगे तक, क्योंकि जिन्ना मैंने कल ही बोल दिया था कि अभी नीचे ऊपर होता रहेगा प्लेन तक, फिर उसके बाद सीधा खड़ी चढ़ाई, वैसे ही हुआ सीन है। तो ये यहाँ से घूम के इधर से फिर उधर जाना है यार, इधर उधर क्यों घूम के बनाए, यहीं से शॉर्टकट बना देते। अरे यार इतना घूम के क्यों बनाए, यहीं से बना देते। वाह इधर से घूम के बनाए इन्होंने, इससे बड़ा यहीं से ऊपर। चलो अपने के चलते हाँ, ये बनाया किसने सही में? खतरनाक। ओ सामने देखो बादलों से भी हम ऊपर आ गए हैं, ये तो वीडियो बन गई कोई नहीं। हेलो सामने पहाड़, और ये खड़ा पहाड़ है, इस पे बोलते एक ब्लॉगर चढ़ा था, कौन चढ़ेगा यहाँ पे, देखो इतना खतरनाक है। कोई चक्कर नहीं, हम नहीं चढ़ेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, घूमने आए घूमो फिरो और व्यू के मजे लो। फिलहाल ये उनकी वीडियो देख रहे हैं जो बोलते हैं चढ़ा हुआ था ब्लॉगर, लड़का यहीं का है कुल पहाड़, और सामने पहाड़ देखो वो, अब पता नहीं कितना दूर जाना है। अरे रुकना मत, जितना रुकेंगे उतना थकेंगे। ये देखो कुत्ता ऊपर घूम के भी आ गया मंदिर, चल ठीक चल बाय बाय फिर। यार नहीं नहीं जाएगा वो, एक काला वाला कुत्ता था वो भी घूम के आ गया। पानी भी है यहाँ, टूटी लगी है बोतल, भर नहीं बोतल भर लो, जा अब तू नीचे जा, बोतल ये लगी हुई है मेरे, इसमें पानी है, उसमें पानी भर लेते। चढ़ाई है बड़ी खड़ी चढ़ाई है यार, यहाँ से इधर से फिर इधर से टर्न, फिर इधर से। और वो देखो ऊपर, ये देखो यहाँ पे वो आपको दिख रहा होगा पेड़ के पीछे है कोई, तो मतलब कि यहाँ तक जाना है हमने इस पेड़ के, मतलब कि इसके पहाड़ की बैक साइड, और सीधा सीधा रास्ता है यहाँ से ऊपर से ऊपर से। वाह इतनी गर्मी लगी, मतलब कि यहाँ से सीधा ही जाना है, इधर घूम फिर के यहाँ से फिर इधर फिर पता नहीं ऊपर कहाँ कहाँ गया बंदा। ओहो ये खड़ी चढ़ाई बहुत तगड़ी चढ़ाई है, चले चलो चलो फिर चले चलो मिलते हैं फिर ऊपर, बस ही बहुत थक रहे हैं, कहीं नहीं रुकना, सीधा ऊपर ही चलना। और सामने इधर देखो बादल, देखो कितने प्यारे लगे, हम बादलों के पास आ गए। सारा दिन रेसलिंग आती थी तो उसका देखते रहते, वो नहीं आता था एक जो पागल होता था, जो मुझे मजा आता मजा तो आती थी देखने में, वो आता था क्या नाम यार भाई उसका जो पागल सा होता है जो उसके साथ आता था, रोमन रेंज। हमने रास्ते से शॉर्टकट ले लिया था नीचे से, देखते हैं यहाँ से अगर रास्ता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हाँ उधर होगा होगा, वाह यहाँ से इतना बढ़िया लग रही पहाड़, शॉर्टकट ले लिया, देखते हैं यहाँ पे, अब ले लिया तो जाके रहेंगे, होगा रास्ता तो हो गई देखो तब। हाँ है, वाह ये हुई ना ट्रैकिंग वाली बात, रास्ता तो बंद किया हुआ है इन्होंने, देखो कहीं मुड़ना भी है, ले ही लिया शॉर्टकट तो देखे रास्ता बनाते हैं बाकी तो पता नहीं, चलो देख लेते हैं। तो अरे वाह है जंगलों के बीच बीच, हाँ गांव वालों का है।
फिलहाल बस अभी 10 ही बज रहा है, 10 बजे हमने 5 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ रास्ता देखो कैसा है, क्या बात, थक गए। चलो देखते हैं फिर, गांव वालों ने लगा रखा बाघ के लिए क्योंकि उनकी गायें भैंस रहती है और यहाँ पे गांव में और कोई है ही नहीं। यहाँ पे हल्का सा ही पैर गया तो कच्छ करके सीधा अंदर। हाँ जो ध्यान से क्या वा चले, तो इसका मतलब यहाँ पे बाघ भी आते हैं। जंगल इतना खतरनाक है तो बाघ तो ऑब्वियसली आएंगे ही। नदी भाई बोलता शॉर्टकट नहीं जाना, मैंने जाना था सीधा। हाँ अच्छा, अरे ठीक तो जा रहे हम, यहाँ बीच में आ गए, एक और गांव ऊपर हमें दिखा। हाँ ये घर जैसा बनाया है, बाकी इनसे भी पूछ लेते अगर कोई होगा। एक रास्ता ये भी है, इधर भी सारे घर होगा, वो गाय हैं वो। चलो इधर से ऊपर देखते हैं कनेक्ट होंगे। तो आप साथ बने रहे, आपको ये या आपको ये आपके ये चैनल देखने मिलेगा 98 ट्रैवल। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं हमने कैसे ये क्रॉस किया, जनरल क्रॉस किया। वाह आ जाओ भाई, उस साइड बादल बादल बन रखे हैं वो ऊपर, वो देखो उधर से भी जा। अच्छा ऊपर तो वहाँ तो भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो पानी की टैंकी, पानी की तो ऐसी कमी नहीं है। ये बाघों के पैरों के निशान है कि किसके यार, ये देखो भयंकर पता चल रहा बाघ के पैर के निशान होंगे। जंगल में तो आ गए हम, भटकते भटकते शॉर्टकट के चक्कर में हम भटक गए। अरे वाह हेलो गाय, लोग हैं नहीं यहाँ पे, घरों में हमने आवाज़ लगाई तो हैं ठीक है ना। वाह साथ में हमारा एडवेंचर भी हो गया गांव के बीचों बीच और रास्ते के साथ कनेक्ट भी हो गए। चलो देखा, हमने सोचा हम घूमोगे बट कनेक्ट हो गए रास्ते के साथ। चलो चलते हैं आराम आराम से। हाँ अगर आप रास्ते में कहीं भटक गए या अगर आपको जंगल वगैरह दिख गया तो अगर आपको पहले तो आप पैरों के निशान देखिए, आपको पैरों के निशान दिखेंगे, पट्टी बनी होगी या पगडंडी बनी होगी, बनी ही होगी। गांव में हमेशा ऐसा होता है कि पगडंडी बनी होती है। उसके बाद अगर आपको भटक भटक गए तो गाय के गोबर की तरफ देखिए, वो आपको रास्ते में मिल जाएगा क्योंकि गाय, गांव के लोग गाय चलाते हैं, चलाने के लिए दूर दूर तक छोड़ के चले जाते हैं, उनके द्वारा भी आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चोटी दिख रही है तो हमेशा आप चोटी की तरह बढ़िए, किसी ना किसी तरीके से चोटी की तरह बढ़ते रहेंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, या फिर आप रास्ता नहीं मिलेगा तो हटे यार मैं आ रहा हूँ। चोटी चोटी से आपको रास्ता दिख सकता है, चोटी से आप एक अच्छा व्यू देख सकते हैं, हिस्ट्री व्यू ले सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कहाँ को जाना है। अगर आपको गाँव भी दिख जाएगा चोटी से, तो फिर फॉलो करना जरूर, नोटिस करना एक बार अगर कहीं घूम गए आप ऐसी ऐसी जगह में। तो रास्ता थोड़ा डेंजर भी लग रहा है और बाकी अगर रास्ते में आपको कोई भी जंगली जानवर दिखे तो इधर उधर भागना नहीं, थोड़ा शांत होना और दिमाग से काम लेना, मतलब कि हड़बड़ी में इधर उधर भाग मत जाना, इकट्ठे रहना, बाकी तो सब ठीक है। और या हल्ला मचा लेना, हल्ला मचा देना इससे बाघों को ये होता है, हमें और भी लोग हैं वो डर के अपने आप चले जाते हैं, तो साथ में रहना बस। रोड रोड फिलहाल तो अभी हमें दिखी नहीं, कहाँ गए वो रोड, वो रही मेरे को लगता है वो, देखो रास्ता वो रहा, वो दिख रहा है ना आपको बाहर आ रहा है वो बना हुआ फिलहाल। कहाँ वो पक्का वही है वो दिख रहे शायद वो। चलो देखते हैं आगे कहाँ पहुँचे वो। हाँ ये तो है रास्ता, वो देखो नीचे वो रहा रास्ता। हाँ हाँ जी ठीक है,
और ये गांव वाला रास्ता है, बाकी जो टूरिस्ट वाला रास्ता वो नीचे है वो वाला। हमें ट्रैकिंग और एडवेंचर बहुत पसंद है, कुछ अलग, तो ट्रैक तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा ट्रैक के साथ थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए। और ध्यान से चलना ऐसे ऐसे रोडों में, बाकी नीचे देखो कितना है, नीचे कुछ है ही नहीं, खतरनाक खाई, तो देखते देखते चले। ध्यान आपका रोड में ही होना चाहिए नीचे की साइड, और तो बाकी ठीक है। हैं ध्यान से चलना, चलो 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 तो वाह। हाँ ये चूड़ियों के निशान भी दिख रहे हैं हमें, इसका मतलब रास्ता यही है। आहा क्या व्यू है, हाँ नज़ारे इन्ने बढ़िया रखा, पूरा 360 व्यू लेते कवर करते, बहुत ही अच्छा व्यू। फिर हम ट्रैकिंग के साथ एडवेंचर करके भी आ गए, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अरे वाह ये क्या दिखा हमको, फिलहाल हम वहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ फिर किद्दा ठीक है, गांव के रास्ते हम घूम फिर के आए, आगे फिर रास्ते के साथ शॉर्टकट लेते हुए, और हम बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे।